हेलो गाइस वेलकम टू इंडियन कॉमिक सीरीज यह एक ऐसा कॉमिक सीरीज चैनल है जहां मैं आप सबको इंडियन सुपरहीरोज की कॉमिक स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन सुपरहीरोज की कॉमिक स्टोरी में तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और गाइस आज मैं आप सबको नागराज सीरीज की एक और रोमांचक और खतरों से भरी स्टोरी लेके आया हूं तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं सम्राट थोड़ांगा तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे हाथियों को तो वह यूं काटता है जैसे लोग भेड़ बकरिया काटते हैं थोड़ांगा को रोज एक हाथी का मांस खाने के लिए चाहिए इसीलिए थोड़ांगा की घाटी में कोई भी जीवित हाथी नहीं मिलता है थोड़ांगा ने एकाएक एक हाथी के मीट का वह टुकड़ा नोचना बंद कर दिया यह शायद संकेत था जीपा के लिए क्यूँकी यह सम्राट के दंगल का समय था जीपा ने पिंजरे का द्वार खोल दिया थोड़ांगा घेरे में प्रवेश कर गया और इंसान गेंडा दो गेंडो के सामने खड़ा हो गया अपने महा दुश्मन को सामने देखते ही दोनों गेंडे क्रोध से थोड़ांगा पर झपटे तभी थोड़ांगा ने गेंडो को उनके सिंग पकड़ कर रोका फिर थोड़ांगा ने पहले गेंडे को सिंग पकड़ कर उठाया और घुमा कर उछाल दिया दूसरे गेंडे को भी सिंह से पकड़ कर उठाया और घुमा कर पहले गेंडे पर दे मारा थोड़ांगा ने भयंकर हुंकार भरी आश्चर्यजनक रूप से उसका सिर गर्दन में समा गया फिर थोड़ांगा ने अपने सिंग से गेंडो के वार को रोका इसी क्षण दूसरे गेंडे ने थोड़ांगा पर एक टक्कर जड़ दी पट से थोड़ांगा का सिर बाहर निकला वह गेंडे के इस वार से गुस्सा चुका था सारे कबीले वाले थोड़ांगा की जय जय कार कर रहे थे तभी भयानक रूप से गेंडा थोडांगा पर झपटा उतनी ही तेजी से टकराए थोडांगा के सींग गेंडे से बेहद हिंसक हो चुके थोडांगा ने अधमरे गेंडे का सींग पकड़ कर उखाड़ दिया गेंडो के मरते ही जीपा ने बाड़े में प्रवेश किया और थोड़ांगा को मुबारकबाद दिया तब थोडांगा ने कहा इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दो जीपा थोडांगा वापस अपने टब में आकर फैल गया वह सोच रहा था कि मेरा मकसद अभी अधूरा है काबुकी का खजाना चाहिए मुझे और खजाना तब तक मुझे हासिल नहीं हो सकता जब तक गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते कुछ समय बाद एक जंगली भागता हुआ थोड़ांगा के पास पहुंचा तब उसने बताया कि गुंटारा मर गया सम्राट थोड़ांगा थोड़ांगा यह सुनकर चौक पड़ा तब उसने कहा गुंटारा मर गया क्या बक रहा है हराम ज्यादा कैसे मर गया गुंटारा तब जंगली ने बताया की वह नागराज उसने गुंटारा के शिकार को छुड़वा लिया गुंटारा को काटा गुंटारा मोम की तरह पिघल गया यह सुनते ही थोड़ांगा ने उसे दूर उछाल फेंका वेल की तरह उछल वह टब के बाहर निकला और कहा जीपा तू तो कहता था कि तूने उस नाग मानो नागराज को हथौड़े हाँ से मार डाला है फिर वह गुंटारा की घाटी कैसे पहुंचा? तब जीपा ने बताया कि मैंने उसे मार डाला था मेरे हथौड़े हाँ की एक चोट ही उसके लिए काफी थी तब थोडांगा ने बताया नहीं जीपा नागराज के लिए तेरी एक चोट काफी नहीं थी वरना तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर डेनियल को बचाने कैसे पहुँच जाता तो तेरी एक गलती से गुंटारा मौत के मुँह में समा गया लेकिन नागराज को गुंटारा घाटी तक पहुँचने में जरूर किसी जंगली कबीले ने मदद की होगी तब एक जंगली ने बताया की सम्राट थोडांगा मैंने मकालू के सरदार ओसाका को गुंटारा की घाटी के निकट देखा था तब थोड़ांगा ने कहा मकालू जाओ अपने हथौड़े हाँ को मकालू के बच्चे बच्चे के खून से नहला दो जाओ जीपा ठीक उसी पल कुछ जंगली थोड़ांगा के पास पहुँचे तब जंगलियों ने बताया की हमने भागे हुए गैंडे को लगभग पकड़ लिया था लेकिन तभी उस नाक मानो ने सम्राट उसके अंदर से सांप छूटते हैं उसने हमें मार पीट कर हमसे गैंडे को बचा लिया थोड़ांगा गुस्से से भर चुका था तब थोड़ांगा ने पूछा कि जीपा सीसी नाम की वह सुंदरी कहाँ है उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बीबी तब जीपा ने बताया कि उसने उसे गुफा में कैद किया है उधर नागराज डैनियल के साथ कुंटारा की घाटी से बाहर निकला तब डैनियल ने बताया कि नागराज यहाँ के जंगली कबीले का बच्चा बच्चा थोड़ांगा की घाटी का पता जानता है लेकिन थोड़ांगा के भय से कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा तब नागराज ने कहा मकालू का सरदार ओसाका जरूर हमारी मदद करेगा ठीक उसी क्षण मकालू कबीले पर तबाही दस्तक दे रही थी जब जीपा को कबीले की तरफ बढ़ते देखा गया कहते हैं कि जीपा कहा थौड़ा जब उठता है तो तबाही आ जाती है लाशों के ढेर लग जाते हैं और लाशों के ढेर लग भी गए शीघ्र ही पूरी तरह आतंकित बच्चे कुचे कबीले के लोग जीपा के पैरों पर आकर गिर गए और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे तब सरदार ओसाका ने कहा नहीं जालिम के सामने अपना सिर मत झुकाओ तभी ओसाका को देख जीपा ने कहा जीपा कभी भीख देता भी नहीं हराम जाते अब हथौड़े हाँ की एक ही वार में मैं तुम सबको हमेशा के लिए जीपा के आतंक से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारी लाशें सम्राट थोडांग से नमक हरामी करने वाले दूसरे कबीलों के लिए सबक होगी तभी जीपा ने अपना हथौड़ा घुमाया और एक साथ कई चीखे गूंज उठी यह देख ओसाका ने कहा कमीने ने जीपा ना नागराज को पता लगेगा तो वह तुझे तड़पने का मौका भी नहीं देगा यह सुन जीपा ने ओसाका पर वार करने के लिए हथौड़ा हाँ उठाया लेकिन जीपा का हथौड़ा हाँ नीचे नहीं आ पाया क्योंकि नागराज की नाग रसी जीपा के हाथों में कस चुकी थी यह देख ओसाका ने कहा नागराज तुम आ गए खत्म कर दो इस कमीने को इसने मेरे पूरे कबीले को शमशान बना डाला है तब नागराज ने कहा घबराओ नहीं सरदार ओसाका अब अभी ये जिंदा नहीं बचेगा तभी नाग ने जीपा पर हमला कर दिया और हथौड़ा जीपा के हाथ से छूट कर गिर गया तब जीपा ने कहा इनकेचुओं का जहर मुझ पर असर नहीं करता नागराज उधर जीपा का हथौड़ा हाँ ओसाका के सिर से टकराया और वह बेहोश हो गया जीपा अपना हथौड़ा हाँ उठाने के लिए झुका ही था कि नागराज ने एक जोरदार किक जीपा के जबड़े पर जड़ दी लेकिन अगला वार करने का मौका नागराज को ना मिल पाया जीपा ने नागराज को अपनी बाहों में जकड़ लिया नागराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि तभी किसी ने पीछे से जीपा पर वार किया नागराज ने सोचा कौन है मेरा मददगार हमलावर को देखते ही नागराज को आश्चर्य का झटका लगा अरे यह तो सतरंगा है वह दोस्त आज तुम्हारे कारण नागराज के प्राण बच गए गंडे को देखते ही जीपा ने एक भयंकर हुंकार भरी ठीक उसी पल गडा पुनः जीपा पर झपटा तभी जीपा ने गेंडे को सिंह से पकड़ लिया और कहा तू भी सम्राट थोडांग ऐसी नमक हरामी। पर उतर आया हराम जादे। तभी जीपा पर एक जोरदार हथौड़े का वार हुआ यह करामात थी काली की हथौड़े की चोट से उछल कर जीपा गेंडे पर गिरा गेंडे ने उसे सिंगों पर रख कर उछाल दिया फिर काली ने सूंड में जकड़ा हथौड़ा एक बार फिर घुमाया हथौड़े की चोट से जीपा उछला तो गेंडे का सिंह उसकी पीठ में जा घुसा उसी पल नागराज के हाथ से निकल कर जीपा की गर्दन को कस लिया नागराज सिंह ने इस बार जीपा नीचे गिरा तो फिर उठ ना सका तब नागराज ने कहा काली सतरंगे दोस्तों आज तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज खूब निभाया नागराज तुम्हें हमेशा याद रखेगा फिर नागराज व डैनियल ने ओसाका को नीचे उतारा काली ने सूड में पानी भर ओसाका पर डाला जल्दी ही ओसाका को होश आ गया तब ओसाका ने पूछा क्या जीपा मर गया तब डैनियल ने बताया की हाँ सरदार ओसाका वह पड़ी उस कमी ने हत्यारे की लाश तब नागराज ने कहा थोड़ांगा का भी यही हसर होगा ओसाका लेकिन यह तब होगा जब तुम हमें थोड़ांगा की घाटी ले जाओ तब ओसाका ने कहा हाँ अपनी जान की परवाह नहीं मुझे मैं तुम्हें वहाँ जरूर ले जाऊंगा नागराज उधर थोड़ांगा की घाटी में थोड़ांगा उस समय उछल पड़ा जब उसे पता चला कि एक जीवित काबुकी थोड़ांगा की घाटी में है तब एक जंगली ने बताया कि सम्राट थोड़ांगा हमने इस हाथी को घाटी में घुसते ही पकड़ने की भरपूर चेष्टा की लेकिन इस पर हमारी जोर जबरदस्ती का कोई असर नहीं हुआ यह सुन थोडांगा चौक उठा और कहा ओह इसका मतलब ये काबुकी गुरु एलिफेंटा ने वो काबुकी ढूंढ लिया इसी क्षण आंखों को चका चौद कर देने वाला तीव्र प्रकाश फैल गया और प्रकट हुआ एक अक्ष जो की थोड़ांगा का गुरु था गुरु एलिफेंट गुरु एलिफेंटा ने बताया हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं वत्स छोड़ा कई महीनों की तपस्या के बाद मैंने इस काबुकी को ढूंढ लिया है लेकिन अब तुम देर मत करो वत्स थोड़ांगा ये काबुकी कुछ ही दिनों का मेहमान है मृत्यु पूर्व ये काबुकी तुम्हे वहाँ ले जाएगा जहाँ केवल हाथी ही पहुँच सकते हैं थोड़ागा भयानक ढंग से अट्ठाश कर उठा गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब हो गए उन्होंने हाथी ढूँढ कर मुझ तक पहुँचा दिया जो मरने वाला है फिर हाथी पर चढ़ बैठा थोड़ांगा कि तभी एक जंगली भागता हुआ वहाँ पहुँचा उसने बताया कि सम्राट थोड़ांगा जीपा की लाश वहाँ मकालू कबीले में मैंने वहाँ सरदार ओसाका के साथ नागराज को देखा तब थोडांगा ने सोचा नागराज ने जीपा को भी मार डाला इसका मतलब अब वह ओसाका को लेकर थोड़ांगा की घाटी आएगा उससे पूर्व ही मुझे यहाँ से कुछ कर जाना चाहिए तब थोडांगा ने अपने जंगलियों से कहा कि तुम चारों तरफ फैल जाओ वो कमीने इसी तरफ आएंगे घाटी में कदम रखते ही भून डालना उन्हें तब थोडांगा सीसी को भी अपने साथ जबरदस्ती बैठा कर चल पड़ता है थोड़ांगा ने सोचा अगर उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की तो इसकी जान लेने की धमकी उनके कदमों में बेड़ियाँ डाल देगी बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है ये काबुकी मैं यह सुनहरा मौका लड़ाई झगड़े में नहीं गवाना चाहता इधर नागराज डैनियल वा ओसाका काली पर सवार थोड़ांगा की घाटी के निकट आ पहुँचे लेकिन अभी वे घाटी में पहुंचे ही थे कि उन्हें की उन्हें जंगलियों की आवाज सुनाई पड़ी और अगले ही पल उन पर गोलियों की बौछार कर दी गयी लेकिन दोबारा फायरिंग का मौका नागराज ने उन्हें नहीं दिया सरप्रस्सी पर झूलता हुआ नागराज जंगलियों के लिए कहर बन गया लेकिन इस मुठभेड़ में गोली लगने से ओसाका की मृत्यु हो गई। तब नागराज व डैनियल आगे बढ़ चले थोड़ांगा की घाटी में पहुंचते ही चार तरफ से घिर गया काली तभी भयानक रूप से नागराज के मुंह से फूट निकली विष फुंकार और जंगलियों में भगदड़ मच गई इसी क्षण एक फायर गूंजा और काली की करुणा चिंगाड़ से चप्पा चप्पा गूंज उठा पेड़ के पत्तों में छिपा जंगली नागराज के विष बुझी निगाहों से बच ना सका इधर दर्द से चिंगाड़ता काली नीचे बैठ गया यह देख नागराज ने कहा नहीं काली नहीं कदम कदम पर साथ दिया है तूने हमारा मंजिल पर पहुंचकर साथ छोड़ रहा है तू फिर एकाएक ही सुलग उठा नागराज तेरी कसम काली इस घाटी में अब एक भी थोड़ा का कुत्ता जीवित नहीं बचेगा तभी आगे बढ़ते जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा नागराज डैनियल ने भी गोलियों की वर्षा कर दी तभी एक जंगली ने गेंडो के पिंजड़े को खोल दिया गेंडो के एक साथ भागने से मानो धरती पर भूचाल आ गया भूचाल का कंपन महसूस करते ही चौंक कर पलटा नागराज लेकिन इससे पूर्व की एक भी गैंडा उन तक पहुँच पाता गुर्रा कर न जाने क्या कहा सतरंगे ने की सभी गैंडे नागराज के आगे नतमस्तक हो गए तब नागराज ने कहा सतरंगे ने दोबारा हमारी मदद की है फिर कुछ मिनट की तलाशी के बाद कुछ बचे खुचे लोग नजर आते हैं तब नागराज ने उनमें से एक से पूछा कि थोडांगा कहाँ है तब जंगली ने बताया कि नागराज हमें छोड़ दो हम थोडांगा के साथ काम करने पर मजबूर थे वरना वह हम पर जुल्म करता थोडांगा काबुकी पर सवार होकर कैदी युवती के साथ काबुकी का खजाना लेने गया है उसके गुरु एलिफेंटा ने अपने योग बल पर उसे एक ऐसा काबुकी ढूंढ कर दिया था जो की मरने वाला था तब डैनियल ने कहा अब क्या होगा नागराज हम काबुकी के खजाने तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे सीसी को अब हमेशा के लिए खो चुका हूँ मैं तब नागराज ने कहा हिम्मत मत हारो डैनियल ईश्वर पर भरोसा रखो वह हमें अवश्य कोई रास्ता दिखाएगा कि तभी काली के चिघाड़ने की आवाज आई बुरी तरह चौंक कर पलटा नागराज दोनों काली के पास पहुंचे काली उन्हें अपनी पीठ पर बैठने का संकेत दे रहा था अगले ही पल घायल काली दोनों को लेकर चल पड़ा तंजानिया के भयानक जंगल जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी काली नागराज व डैनियल को लिए निकला जा रहा था फिर एकाएक जंगल तेज रोशनी से नहा उठा कांप उठे नागराज व वा डैनियल वह दृश्य देख कर असहनीय पीड़ा सहता काली बढ़ता जा रहा था दोनों सांस रोक कर उसकी पीठ पर चिपके रहे काली बढ़ता रहा अंगारों की धरती से निकल कर काली पहुँच गया नुकीली विशेल कंटीली झाड़ियों में लंबे जहरीले कांटे काली की खाल को भी चीरते चले गए काली के कांटों की घाटी से बाहर निकलते ही दोनों की आंखें एक बार फिर आश्चर्य से फैल गई जब काली सांपों व बिछुओ की घाटी में जा पहुंचा काली पर चढ़ते जहरीले सांपों पर नागराज ने जहरीली भूखार मारी और अब काली बढ़ रहा था उस नुकुली चट्टान की ओर कुछ सोचते सोचते नागराज के रोंगटे खड़े हो गए की काली को गोली लगी है कहीं काली नहीं हो सकता ऐसा उधर थोड़ा अंगा काबूकी सब बाधाओं को पार कर कर जहाँ पहुँच कर रुका वह था काबुकी का खजाना एका एक काबुकी लड़खड़ा कर बैठ गया गया और दम तोड़ दिया तब थोडांगा ने कहा आखिर पा लिया मैंने काबूकी का खजाना यह देख सीसी ने कहा यह खजाना सरकार की अमानत है देश की उन्नति व सेलेस गेम रिजर्व के जानवरों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होगा तब थोडांगा ने कहा तुम बेवकूफ़ हो सीसी कई माह से जंगलों में डेरा डाले पड़ा हूँ सिर्फ इसी की एक झलक पाने के लिए इस पर केवल मेरा अधिकार है तब सीसी ने पूछा लेकिन तुम इतना विशाल खजाना कैसे लेकर जाओगे तब थोड़ांगा ने बताया की वह पूरी तैयारी के साथ आया है तभी थोडांगा के जंगली हाथियों का झुंड लिए वहाँ पहुँच गए तब थोड़ांगा ने कहा यह सारा खजाना हाथियों पर लाद कर थोड़ागा की घाटी ले चलो इधर काली के घाटी में उतरते ही दोनों काबुकी का खजाना देख चमत्त हो गए दोनों नीचे उतर आए तब नागराज ने कहा काली हमें काबुकी के खजाने तक ले आया तो मेरा शक सही निकला काली तुमने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया इसी क्षण काली लड़खड़ा कर गिर गया और अपने प्राण ताक दिए तब नागराज ने कहा काली के मस्तक पर लगी गोली इसे काबुकी के खजाने की ओर ले आई जहाँ आकर इसने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन मरते मरते भी नेक काम कर गया काली तभी घाटी हाथियों की चिंगाड़ो से गूंज उठा नाग नागराज व डैनियल उसी दिशा में बढ़े कुछ ही आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि थोडांगा काबुकी का खजाना अपने हाथियों पर लदवा रहा था तब नागराज ने कहा सभी हाथी उस वक्त काबुकी के पीछे पीछे यहाँ पहुँचे है अन्यथा यहाँ वह हाथी नहीं पहुँच सकता जिसकी उम्र अभी लंबी है थोड़ांगा का काफिला तैयार हो गया तभी सीसी ने एक हाथी दाँत उठाया और उसे थोड़ांगा की पीठ पर दे मारा तब थोड़ांगा ने कहा मुझे तुम्हारी यह हरकत भी पसंद आई सीसी क्योंकि अब तुम्हें इन्हीं दांतों व हड्डियों के बीच रहना है मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ ठीक इसी पल अपने अपने हाथियों पर चढ़ते जंगलियों में भगदड़ मच गई जब नाग सेना ने उन पर हमला किया जंगलियों ने सम्राट थोड़ांगा से मदद मांगी लेकिन वह दृश्य देख कर तो उछल ही पड़ा थोड़ांगा तब सीसी ने कहा कुत्ते थोड़ांगा ये सांप नागराज के हैं वह आ पहुंचा है हत्यारे तूने मेरे डैनियल को मरवा डाला नागराज तेरी कब्र यही बनाएगा तब नागराज ने कहा क्यूँ थोड़ांगा अभी तो सैकड़ों टन खजाना पड़ा है यहाँ इसे यही छोड़ कर जाओगे क्या थोड़ांगा खूनी स्वर में गुर्रा उठा नागराज बहुत दिनों ऐसी तेरी तमन्ना थी मुझे आज तुझे खत्म करके अपने सारे नुकसान की क्षतिपूर्ति कर लूंगा लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी इस चेहती को खत्म करूंगा लेकिन इससे पहले की थोड़ांगा की टक्कर सीसी के पर खच्चे उड़ा देती डेनियल ने उसे बचा लिया और थोड़ांगा एक चट्टान से जा टकराया सीसी डैनियल को जीवित देख चौंक पड़ी नागराज ने हाथी के मस्तक पर अंकुश के प्रहार करके उसे उत्तेजित किया परिमाण स्वरूप हाथी ने थोड़ांगा पर टक्कर जड़ दी गिरे पड़े थोड़ांगा के सीने पर पाँव रख दिया हाथी ने तब थोड़ांगा ने कहा मेरी ताकत देखना चाहता है मूर्ख थोड़ांगा ने पाँव उमेट कर हाथी को उठा लिया और कहा देख थोड़ांगा की ताकत तुम्हारे जैसे दस के लिए भी थोड़ांगा अकेला ही काफी है तभी थोड़ांगा ने हाथी को उठा दूर छाल दिया फिर थोड़ांगा नागराज की तरफ दौड़ा उठते हुए नागराज पर चीते की तरह टूट पड़ा थोड़ांगा भयानक हुंकार भरते थोड़ांगा का सिर कछुए की तरह गर्दन में समा गया थोड़ांगा गेंडे की तरह कंधे झुकाए नागराज पर झपटा नागराज इस वार के लिए तैयार था एन समय पर वह नागरस्सी पर झूल गया और थोड़ांगा जा टकराया हाथी से हाथी पर लदे हाथी दांतों के खजाने का ढेर थोड़ांगा पर आ गिरा इधर डेनियल बचे खुचे जंगलियों को अपनी बंदूक का निशाना बना रहा था सीसी भी दुश्मनों पर टूट पड़ी थी उधर नागराज व थोड़ांगा आमने सामने थे फिर थोड़ांगा ने कहा नागराज आज तुम्हें मार कर मैं विश्व के सभी महान अपराधियों को तुम्हारे आतंक ऐसी मुक्त कर दूंगा तब नागराज ने कहा बेटा थोडांगा मैं तुम्हें खत्म करने अफ्रीका के जंगलों की खाक छानता यहाँ आया हूँ तभी दोनों शैतान आपस में भिड़ गए नागरसी थोड़ांगा की कलाई को नागराज की कलाई से बांधती चली गई इसी पल थोड़ांगा ने नागराज को उछाल दिया पर चूँकी दोनों की कलाइया आपस में बंधी थी अतः थोड़ांगा भी पीछे गिरने पर विवश हो गया नागराज पुनः उछला और खड़े होते थोड़ांगा पर वार किया फिर नागराज ने कई बार एक साथ थोड़ांगा पर किए फिर उसने अपने नागो का वार भी थोड़ांगा पर किया लेकिन थोड़ांगा की मोटी चमड़ी पर उसका कोई असर ना हुआ तभी डैनियल ने कहा नागराज बचो मैं इस हथ गोले से इसकी कमर तोड़ दूंगा डैनियल ने हथ गोला थोड़ांगा पर उछाल दिया अगले ही पल हथ गोला के वार से थोड़ांगा की गैडे जैसी खाल का कवच टूट कर गिर पड़ा अगले ही पल नागराज हवा में उछला और एक जोरदार के थोड़ांगा पर जड़ दी तब थोडांगा ने सोचा मेरा रक्षा कवच टूट कर बिखर गया है मैं इस घाटी को तबाह कर दूंगा तभी थोड़ांगा ने कहा इन हाथियों के थैलों में गोला बारूद को उड़ा दूं तो घाटी में तबाही आ जाएगी और अगले ही पल थोड़ांग ने उन हाथियों पर गोली दाग दी और एक जोरदार धमाका हुआ नागराज थोड़ांग को रोकने के लिए झपटा लेकिन थोड़ांग ने उस पर वार कर दिया तभी बमोवा बारूद के धमाकों से घाटी धुआं धुआं हो गई धुआं छटा तो थोड़ांगा वहां से गायब हो चुका था तब नागराज ने सोचा कब तक बचेगा थोडांगा एक न एक दिन तो तुझे नागराज के हाथों मारना ही है तब डैनियल ने कहा नागराज हम थोड़ांगा को खोकर भी जीते हैं यह देखो काबुकी का खजाना फिर शीसी ने कहा लेकिन अभी एक समस्या है हम इसे यहाँ ऐसी लेकर कैसे जाएंगे तब नागराज ने कहा यह कार्य भी मुझ पर छोड़ दो और फिर नागराज के शरीर में वास करने वाले हजारों सांपों के नेता नागनंद ने काबुकी तक का रास्ता पहचान लिया इस प्रकार जंगल की सफाई का, का काम आरंभ हुआ ताकि वहां पहुंचकर खजाने को ट्रकों में लाद कर लाया जा सके जबकि सेलेस गेम रिजर्व के जंगलों ऐसी विदा लेते नागराज की आंखें नम थी नागराज ने कहा दोस्त काली इस जंगल में अगर मैंने कुछ खोया है तो वह तुम हो दोस्त